दोस्तों आईफोन कितना ज्यादा महंगा होता है ये तो हम सभी लोग को पता ही है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का तो आईफोन लेने का एक ड्रीम भी होता है। और जिन लोगों का ये ड्रीम होता है उन लोगों को ये वीडियो देखकर थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें एक ब्रांड न्यू आईफोन को फ्रिज में रखकर जमा दिया गया है। और जब बर्फ के अंदर से इस आईफोन को निकाला गया तो उसे देखने के बाद आप खुद की अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जब एक नए हथौड़े को रखा जाएगा और एक पुराने हथौड़े को रखा जाएगा तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा टूटेगा? और दोस्तों हम लोग तो जानते ही हैं कि बुलेट प्रूफ ग्लास कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसके ऊपर आप गन से भी फायर करेंगे तब भी इस ग्लास में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तब क्या होगा जब इसी बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर से गाड़ी को निकाला जाएगा? क्या ये ग्लास टूट जाएगा या ये इस गाड़ी का वजन झेल लेगा? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने अबसे पहले कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, आपको लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा, प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस जेली। जेली से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन तब क्या हो जब एक जेली के ऊपर 1000 डिग्री मेटल बॉल को रखा जाएगा? तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट्स को करने से पहले जब एक मेटल की बॉल को 1000 डिग्री पर गर्म किया गया और इस मेटल बॉल को एक बर्फ के टुकड़े के ऊपर रखा गया तो कुछ ही देर में ये मेटल की बॉल बर्फ के टुकड़े के अंदर छेद कर देती है। ऐसे ही जब इसी मेटल बॉल को फिर से गर्म करके दूसरे बर्फ के टुकड़े के ऊपर रखा गया तो इस बर्फ के टुकड़े को भी ये बॉल बहुत ही जल्दी पिघला देती है। ऐसे ही दोस्तों जब एक आइस क्यूब को बनाकर उसके ऊपर 3-3 गर्म मेटल बॉल को रखा गया तो ये तीनों बॉल्स बहुत ही जल्दी इस बर्फ को पिघला देती हैं और बर्फ भी इनकी गर्मी की वजह से बर्फ भी बहुत तेजी से पिघलने लग जाती है। ऐसे ही दोस्तों जब लाल की हुई मेटल बॉल को जेली के ऊपर रखा गया तो इस बॉल को जेली के ऊपर रखते ही जेली में गड्ढा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेटल की बॉल जेली को बहुत ही तेजी से पिघलाना शुरू कर देती है और इसे जेली के ऊपर जहाँ जहाँ रखा जाता है वहाँ वहाँ इसके ऊपर गड्ढा होना शुरू हो जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस ओल्ड हैमर एंड न्यू हैमर। दोस्तों क्या होगा जब पुराने और नए हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखा जाएगा? क्या ये हाइड्रोलिक प्रेस इन दोनों हथौड़ों को तोड़ पाएगी और पुराने और नए हथौड़े में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हथौड़ा होगा? दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जब एक मॉडर्न कुल्हाड़ी को रखा गया जब इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया गया तो ये कुल्हाड़ी बीच में से मुड़ जाती है और पूरी तरीके से ये कुल्हाड़ी फोल्ड हो जाती है, लेकिन बीच में से टूटती नहीं है। लेकिन जब इसी मशीन के नीचे पुरानी कुल्हाड़ी को रखा गया तो उस कुल्हाड़ी के ऊपर जब हाइड्रोलिक प्रेस से वजन डाला गया तो इस कुल्हाड़ी के ऊपर थोड़ा सा वजन डालते ही ये बीच में से टूट जाती है। तो दोस्तों इन कुल्हाड़ी के बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे नए और पुराने हथौड़े को रखा गया तो इसका रिजल्ट कुछ और ही था। वैसे दोस्तों आप लोग मुझे अभी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि नया हथौड़ा पुराने हथौड़े के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग होगा या नहीं। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक नए हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और फिर जब हाइड्रोलिक प्रेस से इस हथौड़े के ऊपर कुछ ही टन वजन डालने के बाद यह हथौड़ा बीच में से ही मुड़ने लग जाता है। लेकिन जब इसके बाद पुराने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और इसके ऊपर कई टन वजन डालने के बाद भी हथौड़े का कुछ भी नहीं बिगड़ता। आईफोन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि आईफोन बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, लेकिन उसी तरीके से आईफोन अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड भी करता है। आप लोगों ने आईफोन की बहुत सारे टेस्ट देखे होंगे जैसे ड्रॉप टेस्ट, बेंड टेस्ट, ऐसे ही। क्या आप लोगों ने कभी आईफोन का फ्रीज टेस्ट देखा है? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन को लिया गया और उसे एक छोटे से टब में पानी के अंदर डाल दिया गया, जिसके बाद इसे बर्फ में जमाने के लिए ऐसे ही 24 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है, जिसके फ्रिज में रखने के कुछ घंटे बाद ही आईफोन ऑफ हो जाता है। लेकिन जब 24 घंटे के बाद इसी आईफोन को फ्रिज के अंदर से निकाला जाता है तो ये आईफोन पूरी तरीके से बर्फ में जम चुका था। और फिर इस आईफोन के चारों तरफ की बर्फ को पिघलाने के बाद जब इस आईफोन को बर्फ के अंदर से निकाला गया, निकालने के बाद जब इस आईफोन को ऑन करके देखा गया तो ये आईफोन बर्फ से निकलने के बाद भी ऑन हो गया और ये बिल्कुल ठीक वैसे ही वर्क कर रहा था जैसे ये बर्फ में रखने से पहले कर रहा था। 24 घंटे तक ये आईफोन बर्फ में रहने के बाद भी ऑन हो जाता है। तो फिर तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि भाई आईफोन क्यों इतना महंगा होता है। श्रेडिंग मशीन वर्सेस ट्रेन ट्रैक। दोस्तों श्रेडिंग मशीन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसके अंदर अगर आप कोई लोहा भी डाल देंगे तो भी ये उसको काट के रख देगी। लेकिन तब क्या होगा
जब एक शेडिंग मशीन के अंदर ट्रेन के ट्रैक को डाला जाएगा, तो दोस्तों सबसे पहले शेडिंग मशीन के अंदर एक बड़े से बर्फ के टुकड़े को डाला गया, जो ये बर्फ का टुकड़ा बहुत देर तक शेडिंग मशीन में पड़ा रहने के बाद भी नहीं टूट पाता है, क्योंकि बर्फ को जैसे ही शेडिंग मशीन के अंदर डाला गया तो बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया और पिघलती हुई बर्फ को ये शेडिंग मशीन नहीं तोड़ पाई। लेकिन जैसे जैसे ये बर्फ शेडिंग मशीन की वजह से पिघलती जाती है, वैसे वैसे ये बर्फ का टुकड़ा छोटा भी होता चला जाता है। ऐसे ही दोस्तों जब शेडिंग मशीन के अंदर इस कुएं को डाला जाता है, तो इस शेडिंग मशीन में डालते ही ये तुरंत ही टूट जाता है और कुछ ही देर के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े टूटने लगते हैं। लेकिन इस कुएं का लोहा भी कम स्ट्रांग नहीं था, इसने भी शेडिंग मशीन के अंदर लगे हुए लोहे को भी डैमेज कर दिया था। अब दोस्तों शेडिंग मशीन के अंदर इस रेलवे ट्रैक को डाला गया, तो आप में से सभी लोग को तो पता ही होगा कि ट्रेन का ट्रैक कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस लोहे के ऊपर चाहे कितनी भी चोट मारी जाए, इसे कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन जब इसे शेडिंग मशीन के अंदर डाला गया, तो इसके शेडिंग मशीन में डालते ही इसमें कुछ डैमेज आना शुरू हो गए। लेकिन इस शेडिंग मशीन इस ट्रेन ट्रैक का ज्यादा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन कुछ जगह पर इस ट्रेन ट्रैक के टुकड़े को शेडिंग मशीन ने अच्छा खासा डैमेज कर दिया था। बिग ट्रक वर्सेस बुलेट प्रूफ ग्लास। दोस्तों बुलेट प्रूफ ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जिसके ऊपर आप गन से भी फायर करेंगे तब भी इस ग्लास का कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तब क्या होगा जब इसी ग्लास के ऊपर से ट्रक को निकाला जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले नॉर्मल कांच के ऊपर से एक गाड़ी को चढ़ाया गया और फिर जब इस गाड़ी को तेज स्पीड के साथ आगे बढ़ाया गया, तो ये सारे के सारे ग्लास टूट जाते हैं और इनके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जब इसी गाड़ी को टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर चढ़ाया जाता है, वैसे टेम्पर्ड ग्लास के बारे में तो आप लोगों में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो चलिए मैं बता देता हूँ। ये एक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल ग्लास होता है जिसके ऊपर अगर आप खड़े भी हो जाएंगे तो भी ये ग्लास नहीं टूटेगा। ऐसे ही दोस्तों जब एक के ऊपर एक चार टेम्पर्ड ग्लास को रखा गया और जैसे ही उसके ऊपर से इस ट्रक को निकाला गया, तो सारे के सारे टेम्पर्ड ग्लास के टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे ही जब इसी ट्रक के नीचे बुलेट प्रूफ ग्लास को रखा गया, तो जब इस ट्रक को बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर चढ़ाया गया, तो उस समय तो इस बुलेट प्रूफ ग्लास में कुछ भी नहीं होता है, बस कुछ क्रैक्स ही आते हैं, लेकिन ये ग्लास टूटता नहीं है। लेकिन कुछ देर तक जब इस ट्रक को इस बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, तो ये बुलेट प्रूफ ग्लास इस ट्रक के वजन को सिर्फ 33 सेकंड तक ही झेल पाते हैं। 33 सेकंड के बाद ये ग्लास बीच में से आधा आधा हो जाता है। एलिफेंट टूथपेस्ट। दोस्तों एलिफेंट टूथपेस्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कुछ केमिकल्स का रिएक्शन डालकर बहुत सारी फॉर्म निकाली जाती है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर इतने बड़े एलिफेंट टूथपेस्ट को बनाया कि ये एलिफेंट टूथपेस्ट बॉक्स से निकलने के बाद बहुत ही ऊंचाई तक गया, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस हॉट मेटल बॉल। दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस का एक्सपेरिमेंट तो आप लोगों ने देख ही लिया कि हाइड्रोलिक प्रेस कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसके नीचे रखा लोहा भी ये तोड़ देती है। तो तब क्या होगा जब एक गर्म लाल मेटल की बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाएगा? जब इस मेटल की बॉल को प्रेस के नीचे रखा गया, तो इसके ऊपर प्रेशर डालते ही ये मेटल की बॉल फ्लैट हो जाती है और इसे दूसरी तरफ से रखने पर भी ये ऐसे ही फ्लैट हो जाती है। लेकिन वही जब नॉन हॉट मेटल बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है, तो ये मेटल बॉल इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर के हिस्से को ही तोड़ के रख देती है। वैसे दोस्तों आप सभी को इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा और नए हथौड़े और पुराने हथौड़े में से आपको क्या लगा था कि कौन सा हथौड़ा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।